ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजे वीडियो में। यह वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जातकों आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन का समय कैसा होने वाला है, जो कि आज के दिन के दैनिक राशि फल के बारे में आपको बताएंगे, जो कि आपको सात बड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होंगी। आपको परंतु समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शानो शौकत में बढ़ोतरी करने के आपको मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी बरतने भी आप लोगों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे श्रद्धा के साथ जरूर लिख दें। तो दोस्तों, समय काल बहुत बढ़िया है और जीवन में आप तमाम परेशानियों का निदान करने की स्थिति बनाने वाले हैं। तमाम ग्रह गोचर आपके जीवन पर परिवर्तन होने वाले हैं। रुका हुआ कार्य पूरा होने वाला है और आज आप सभी के लोगों के जीवन में किसी की मदद से पूरा होने की संभावना बढ़ सकती है। बातचीत से परेशानियाँ सुलहा जाएंगे। या कीमती चीज़ों की खरीदारी करने का मन है तो आज का दिन अच्छा होने वाला है। धैर्य रखना होगा, मनचाहे कार्य हो जाने पर ना होने पर परेशान होकर जो है रिक्वेट लिखते रिश्तेदारों पर आपको भरोसा करने से पहले संबंधों को मजबूत बनाना होगा। हैसियत से ज़्यादा खर्च करना या उधार देने से तनाव बढ़ सकता है। कारोबार में किसी भी योजनाओं पर कार्य करने से पहले उनसे जुड़ी हर तरह की जानकारी को हासिल करना जरूरी होगा। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से जरूरत होने वाली सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपराचित इंसान के व्यवहार को करते समय सावधानी कर सकते हैं। घर की व्यवस्थाओं को लेकर भी परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। लव अभर्स बदनामी का कारण बन सकते हैं, सावधान रहना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत से संबंधित परेशानियाँ होंगी। लापरवाही न करने हैं, उचित इलाज को लेना ज़्यादा बढ़िया होगा। मेडिटेशन और प्रार्थना के जरिए नकारात्मक सोच को बदलें। आप आत्मिकताओं वादों से जुड़े रहेंगे तो आपके काम आसान से आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। पुरानी जिन बातों के कारण भी आपका तनाव है उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करना होगा। उनसे गुस्से को दूर करने के लिए दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखना होगा। जैसा वही अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है उसके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक आगे न बढ़ें। व्यक्तिगत सोच सुधारने की कोशिश करें। रिलेशनशिप करिए यह समय ठीक नहीं है। बदन में दर्द बढ़ सकता है। आराम पर कार्य को करने होंगे। जीवन में आपको बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अपनी काबिलियत के अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। सही समय पर सही प्यास ले लेना होगा। धर्म स्थल पर अपने गुरु के साथ दिन में आपको रहने से मानसिक शांति मिलेंगी। निजी समस्याओं को लेकर चली आ रही समस्या दिन होंगे। गैर जरूरी खर्च हो जाने से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। खुद पर ज़्यादा कार्य ना करने हैं। ठीक से कार्य को पूरे होने के सिलसिलापन हो सकता है। निजी कामों को प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। विनाश में ज़्यादा ध्यान और निवेश से बचें। कार्य ज़्यादा हो जाने से खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने वाले लोगों को प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रेमिकाओं के संबंध में नज़दीकियाँ बढ़ सकता है। एक दूसरे के साथ आपका समय व्यतीत होने वाला है। लव लाइफ में को मजबूत बनाने हो तो कार्य कर सकते हैं। पति पत्नी के संबंध अच्छे हो सकते हैं। व्यायाम योगा करते हैं। मौसम के मुताबिक रूटीन रखने से सेहत अच्छी रहेगी। चिंता न करें और आज के दिन काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको जीवन में खुशखबरी की प्राप्ति होने वाले हैं। लोगों के दबाव से खुद को दूर रखें। जरूरी निर्णय सोच समझ कर लें। सीमित विचारों के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, इसलिए अनुभव के लिए खुद को तैयार रखें। घर से दूर रहें, रहना पड़ सकता है। नकारात्मकताओं से बचें। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अस्पष्टता होने पर आप सभी को बातचीत हो सकती है और आपका दिन सुपर बेहतर कार्य हो जमा।